भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत के उत्तर में हिमालय है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये सब भारत उपमहाद्वीप की सीमाएं हैं। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। पिछले साल तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तभी तो आठवीं में फेल हो गए। स्कूल छूटते ही कभी अमरूद के बगान तो कभी नौका घाट, घूम फिर के 8 बजे घर लौटना, पेट में दाना पड़ते ही सो जाना, तभी तो इस साल भी आठवीं में घिसट रहे हो। भारत के उत्तर में हिमालय है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये सभी भारत उपमहाद्वीप की सीमाएं हैं। पिताजी के हाथों मार तो खाई ही, साथ में उनके लौट आने तक पढ़ते रहने की सजा भी भुगत रहे हो, कैदी की तरह। आखिर दे दी ना मुसीबत को दावत। जरा दिमाग से काम लेते और कायदे से रहते तो ये नौबत कभी नहीं आती। मैं पढ़ता तो हूँ हर वक्त। हाय राम, मन नहीं मानता तुम्हें देखकर। रहने दो, आज बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, जाओ जरा खुली हवा में घूमा। बाबूजी आएंगे तो डांट तो पड़ेगी ही, और ऊपर से अलग मार भी खानी होगी। बाबूजी को मैं समझा दूंगी, तुम जाओ। भला हर वक्त घर में बंद रहना किसको अच्छा लगता है, वो भी तो रोज मंदिर जाए बिना नहीं रहते। जाओ मंदिर में भगवान से लंबी उम्र, ऊंची पढ़ाई और सद्बुद्धि मांगना। तुम चिंता मत करो, मैं सब निपट लूंगी, जा। ठीक है अम्मा। ये संभल के जाना। ठीक है अम्मा। और जल्दी लौट आना। सोमू, सोमू, सोमू कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा है। हे भगवान, हर वक्त सोमू की चौकीदारी। ये उसका घर है या जेल खाना? मेरे भाग्य में तो यही लिखा है कि दिन रात इस घर के लिए खटती रहूं। ना कोई तीज, ना त्योहार, न मंदिर, न मेला, पर उस बेचारे ने क्या पाप किया है। अरे चेहरा तक सूख गया है उसका, तरस आता है देखकर। तुम तो बस आते ही बच्चे पर कानून और पाबंदी लगाने लगते हो। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि सोमू कहाँ है। मंदिर गया है, मैंने ही भेजा है उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी लौट आएगा, उसे डांटिएगा नहीं। बेचारा, आपके मन में तो जरा से भी ममता नहीं। नहीं नहीं, तुमने ठीक ही किया, मैं भी वही सोच रहा था। उत्तर से कोई साधु महात्मा आए हैं, नाम अरुणानंद है, कल मंदिर में कथा बांचने वाले हैं। मैं सोच रहा था सोनू को भी ले जाऊं, इस कच्ची उम्र में ही दो चार बातें सीख लेनी चाहिए, क्यों? हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। वक्त पर घर लौटने की तो इस घर में किसी की आदत ही नहीं। मंदिर, तालाब, सबके चक्कर लगाते लगाते 9-10 तो बज ही जाते हैं। अकेले जाए कौन मना करता है, पर ये तो आजकल साथ में बेटे को भी खींच ले जाते हैं। लड़का पिछले साल ही फेल हो चुका है, इस तरह घूमता रहा तो हो चुकी पढ़ाई। घर में हर वक्त किताबों के साथ बेचारा बंद पड़ा रहता है। आवारा बच्चों के साथ घूमने से तो यही अच्छा है कि जरा भगवान के दर्शन कराए, यही सोचकर मैंने तुम्हें भेजा। पर यहां तो
तुम्हारे सिर पर मंदिर का भूत सवार हो गया है। जब देखो मंदिर मंदिर, बहुत हो गई भक्ति। हाय राम, अब तुम जो ये नया बखेड़ा फैला रहे हो उसे मैं किसे सुनाऊं? नहीं 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 नहीं। क्या रे? मैंने ऐसा क्या कह दिया माँ जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? स्वामी जी ने जैसा कहा है मैं वैसे ही अब शाकाहारी भोजन करने वाला हूँ। मैं अब मांस मछली नहीं खाऊंगा माँ। अरे सुना आपने, क्या कह रहा है ये? क्यों, क्या कह रहा है तुम्हारा लाडला? कहता है जीवों पर दया करनी चाहिए, मांस नहीं खाएगा और अंडा भी नहीं छुएगा। हाय राम, इधर आपको तो मांस मछली की गंध ना हो तो एक कौर भी गले ना उतरे, एक दिन भी ना बने तो घर सिर पर उठा लेते हैं। ठीक ही तो कहता हूँ, आदमी बंदरों की तरह घास फूस खाने के लिए पैदा तो नहीं हुआ है। और ये कहता है मांस बना हो तो हाथ धोकर खाना परोसो, घर में रोज दो दो चीजें थोड़े बना सकती हूँ। अरे बच्चों को तो जो परोसा जाए चुपचाप खा लेना चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हजार पसंद और नापसंद। बड़ा आया शाकाहारी भोजन करने वाला, हर वक्त दही दाल भात चाहिए इसको। चाची। क्या है राजू? मेरे माँ ने देने को कहा। अच्छा दे दो। पंकजम, क्या मंगवाया बगल घर से? आपने जो पैदा करके रखा है ना शिव भक्त, इसके लिए तो इस घर में कुछ भी नहीं है ना खाने को, इसीलिए बगल घर की मरगदम ने केले का भुजिया बनाकर भेजा है। साथ में इस तरह का कुछ ना हो तो आपके लाडले के गले में कौर नहीं उतरता। रोज का चूल्हा चौका करते करते मेरी हालत खस्ता हो रही है, अब इस लाड साहब के लिए अलग से साग भाजी कौन बनाए? सोमू की उम्र अभी कच्ची उम्र है, तन और मन दोनों में हर वक्त एक जोश एक धुन की उम्र, जीवन और संसार को मुट्ठी में बंद कर लेने को उतावली, हर नए अनुभव और हर नए ज्ञान पर अपना एकाधिकार होने की कल्पना। मांस को खाकर मांस को पालने वाले मेरे पिताजी, जाने उनकी क्या गति होने वाली है। और माता, एक मूर्ख अज्ञानी आत्मा अज्ञानता में डूबे इन जीवों को जाने कब सद्बुद्धि प्राप्त होगी, अंधकार में डूबे इन जीवों को जाने कब प्रकाश सुलभ होगा। हे भगवान, मुझे परीक्षा में पास करा दे। वाली प्रार्थना से शुरू होने वाली भक्ति जीव करुण्य के अहिंसा मार्ग से बढ़ती हुई, ये संसार है एक माया जाल, काल को कौन सके है टाल, वाली परिपक्वता की ऊंचाई को छूने की कोशिश करने लगी। सोमू ने समझा, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। माता पिता बंधु बांधव, ये सुनहरा संसार सब माया ही तो है, सिर्फ मृत्यु ही एक शाश्वत सत्य है, पर इस मृत्यु पर किसी का वश नहीं। हाँ, अपनी इच्छाओं का त्याग कर मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति जरूर कर सकता है। हिमालय जाकर अरुणानंद के बताए जोगी का दर्शन अवश्य करना होगा, उनके चरणों पर गिरकर उनकी सेवा करनी होगी। बाकी सारे कर्म व्यर्थ हैं, पढ़ाई कमाई रिश्ते नाते सभी बंधनों का त्याग करना होगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मेरे सामने एक ही लक्ष्य है, हिमालय पहुंचना। शंभो महादेव, शंभो महादेव। क्या बात है, आज महात्मा जी बहुत जल्दी उठ गए, अच्छा ही किया। बैठो, मैं सिर पे तेल लगा देती हूँ। मिट्टी के शरीर के लिए ये सब क्यों? खैर जाने दो, आज एक ही दिन तो है, कल छोड़ो, जो कल नहीं आया उसकी चिंता ये अल्पजीव क्यों करे? क्यों रे, ये जड़ की तरह क्यों बैठा है? जो कह रही हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खोलो पैंट और ये तौलिया बांध कर आ जाओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी करो ना, तेरे बाल कितने बढ़ गए हैं, जाकर कटवा क्यों नहीं लेता? अब कटवाना क्या, अब तो सीधे मुंडवाना पड़ेगा। कितने घने बाल हैं, बिल्कुल अपने बाप की तरह।
अरे भैया, बाल कितने सुंदर हैं, इन्हें मुंडवाना क्यों चाहते हो? बाल मुंडवाने के लिए इतनी चिंता? ये शरीर एक दिन जलकर राख होने वाला है, उसके बारे में सोचा है कभी? लगता है भक्ति बहुत ज्यादा हो गई है, तुम तो महात्मा होकर ही रहोगे, तेरे बाप से पूछे बिना तेरा सर नहीं मुंडूंगा। हिमालय उत्तर में ही तो है, उत्तर दिशा की ओर ही यात्रा करनी होगी। यहाँ से कम 1000 मील तो जरूर होगा। एक दिन में 10 मील चलने से क्या मैं एक दिन में 10 मील नहीं चल सकता? जरूर चल सकता हूँ, तब तो 100 दिन में हिमालय पहुँच जाऊँगा। और अगर 1000 मील नहीं हुआ, 2000 हुआ, तो 200 दिन लग जाएंगे। किसी न किसी तरह तो पहुँचना ही है। आज तो पहला ही दिन है, अभी से मेरे पाँव दुख रहे हैं, भूख भी लगी है। अंगूर, बढ़िया अंगूर लीजिए, मिश्री की तरह मीठा, सोचिए मत। अरे ओ अम्मा, अरे ओ बाबा, लीजिए मीठे अंगूर लीजिए। अरे पैसे तो दो। हाँ हाँ भैया। अरे मीठे अंगूर लीजिए, तुरंत खरीद लीजिए, जो खत्म हो गया तो पछताओगे। अंगूर लीजिए, बढ़िया अंगूर लीजिए, मिश्री की तरह मीठा अंगूर लीजिए, सोचिए मत। अरे थोड़े से तो बचे हैं, जल्दी आइए, बढ़िया अंगूर लीजिए, जल्दी आइए। अरे ओ बाबा, अजी ले जाओ मिश्री की तरह मीठे अंगूर, ये अंगूर फिर कभी नहीं मिलेगी, ले जाओ। ए छोकरी, 1 रुपए का अंगूर तो देना। आओ दादा। ये लो दादा। अरे बुड्ढा समझ के बुद्धू बना रही है क्या? और 2-4 डाल। इसी जगह पे कोई छेल छबीला होता ना तो दोनों हाथ से भर भर के देती। हाय रे दैया, इस बुढ़े का मिसाज तो देखो। अरे बाकी के पैसे छुट्टे तो दे जल्दी सा, खसब की कमाई समझे क्या जो पूरी की पूरी आंटी में खोस ली। देखो तो इस उम्र में भी जुबान कैंची की तरह चलती है। है, है बड़ा प्यार जता रही हो, अब तो तेरे बाप से कहना ही पड़ेगा कि इसको जल्दी सा दूल्हा ला दो। छी दादा, तुम बहुत बोलते हो। अंगूर तो वाकई बहुत नीचे हैं। लो बेटे, तुम भी लो। छी, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, क्या मैं तुमको भिखारी लगता हूँ? अरे अरे, तुम तो बड़े तेज हो और बड़े खुददार भी हो, हैं? समझे ना? नहीं बेटे, ये बात नहीं है, मैं तुम्हारे दादा की तरह और तुम मेरे पोते की तरह, समझ में आया ना? इसे प्यार से मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, हैं? लो खा, खा लो बेटे। मैं नहीं खाता बेटे। मैं नहीं खाता। दादा का कहा तो मान लो, लो एक तो खा लो, खा लो, खा लो बेटे। नहीं, हाँ प्यार से दी हुई चीज को ना नहीं करते बेटे, लो। नहीं नहीं, बेचारा कोई अनाथ है, कब से यहाँ खड़ा हुआ है? ना तो मैं कोई अनाथ हूँ और ना ही भिखारी, क्या समझता है अपने आप को? 1 रुपए के अंगूर खरीदना कोई बड़ी बात है, मैं भी खरीद कर खा सकता हूँ, पर पैसे? हिमालय तो अभी बहुत दूर पर है, पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, पेट सिकुड़ा जा रहा है, भूख के मारे दर्द भी हो रहा है, खाली पेट ये शरीर कितना भारी लगता है, अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता। अम्मा, अम्मा। एक और
बस माँ, पेट भर गया। माँ के हाथ का खाओगे तो शरीर में ताकत आएगी, खा लो। ताकत ना हो तो पढ़ाई लिखाई कैसे करोगे, खेल भी नहीं सकोगे। चलो चलो, बात मान लो थोड़ा सा, मुन्ना है ना, थोड़ा। अम्मा अम्मा, पंकजम खबर मिली बेटे की? कहां नहीं ढूंढा उसको, स्कूल देख लिया, मंदिर, बाजार, गली, कहीं नहीं मिला। कहां चला गया पंकजम, बड़ी चिंता हो रही है। हाय राम, मैं क्या करूं, कहां चला गया मेरा बेटा, पता नहीं, कुछ खाया कि भी नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रो मत पंकजम, रो मत, आ जाएगा। हाँ सांप, माँ सांप आया, सांप आया। अरे रास्ते में कोई पड़ा है दादाजी। अरे जल्दी से गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। देख तो कौन है। भैया, ओ भैया जरा उठो तो, दादाजी जरा इसे देखिए। अरे ये तो वही लड़का है जिसे अंगूर वाली के पास मैंने देखा था। दादाजी आप इसे पहचानते हैं? हाँ बेटा, ये भी तुम्हारी तरह मेरा पोता है। क्यों बेटे, क्यों यहाँ इस तरह पड़े हो, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो? अरे तुम रोते जा रहे हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? अरे अरे जरा धीरे से काम लो बेटा, मैं पूछ रहा हूँ, तुम रोते ही जा रहे हो, आंसू पोछो, आओ मेरे साथ, मेरा घर पास में ही है, वहीं ठीक से बैठ के बात करेंगे। मत, अब ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है और तुम कहाँ जा रहे थे? मैं हिमालय पर्वत जाने के लिए। हिमालय पर्वत क्यों रे कंदा स्वामी, ये हिमालय पर्वत किधर आया रे? वही दादाजी, आप कहते थे ना कैलाश पर्वत, वहीं पर हिमालय पर्वत भी है। अच्छा अच्छा, अरे हाँ वहीं पर जहाँ कार्यकाल माता जी चल के गई थी। अरे वहाँ तो मरे हुए लोग जाया करते हैं और तुम वहाँ क्यों जा रहे थे? तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी बहुत पढ़ना लिखना है, शादी ब्याह करना है, हैं? अब बेटा बेटी पैदा करना है, पोता पोती का सुख देखना है, ये सारे सुख छोड़कर तुम वहाँ जा रहे थे, पगला हो गया क्या? दादा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा दादा, घर में ही भगवान का ध्यान करूंगा, माँ और बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे किसी तरह गाँव पहुँचा दो दादा, किसी तरह गाँव पहुँचा दो, मैं तुम्हें सदा याद करूंगा दादा, सदा याद करूंगा। ठीक है बेटा, आज रात को तुम यहीं आराम कर लो, सुबह कंदा स्वामी तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा, ठीक है ना कंदा स्वामी? हैं ठीक है ना।
ठीक है दादाजी, मैं पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत करना। भैया यही है ना तुम्हारा घर? हाँ। संभल के भैया। जय महाकाली नल्ल गालम पोरक्कुदु हे माता धर्म करो, हे माता दान करो। सुबह सुबह आ गए झोली फैला के, जाओ जाओ आधे घंटे बाद आना, अभी तंग मत करो। माँ, माँ, सुबह सुबह ये भीख मंगे दिमाग खाने पहुँच जाते हैं। भीख मांगा नहीं माँ, मैं हूँ सोमू, तुम्हारा सोमू। सोमू, सोमू बेटा कहाँ चले गए थे तुम? अपनी माँ का तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया? मैं साधु बने गए था माँ, बीच में तुम्हारी याद आ गई इसलिए लौट आया माँ। अरे पगली, माँ को छोड़कर कोई जाता है क्या? माँ बाप से बढ़कर ना कोई मंदिर है ना भगवान। पढ़ा नहीं तूने, रो मत बेटा। अरे देखिए तो कौन आया है इधर। सोमू, ये क्या भेष बना रखा है तुमने? आप बोल रहे थे ना कि मेरा बेटा बुआ के घर गया होगा, अरे ये तो सन्यास लेने गया था। जीवन एक पहेली है, सीधी सुंदर रेखाओं के बीच जाने क्यों टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच जाती हैं? ये सब तकदीर का खेल है। ये कब से सन्यास का चक्कर तेरे सर पर सवार हो गया है, हैं? फिर से डांटने लगे हो, चुप भी रहो, बेचारा अभी अभी लौटा है। हाँ हाँ, मैं तो एक शब्द भी नहीं कह सकता तुम्हारे बेटे को, तुम्हारा गुस्सा तो तुम्हारे नाक पर बैठा रहता है ना, देखो तो कैसी सूरत बना के रखा है। खैर जाने दो, यही बहुत है, लौट के बुद्धू घर तो आया ना। जाओ जाओ हाथ मुंह धुलाओ और खाना परोसो, भूखा होगा बेचारा।